नमस्ते जी। कला मंगल श्रृंखला के अंतर्गत आपकी प्रदर्शनी लगी है यहाँ, मिथिला लोक कला पर आधारित है ये प्रदर्शनी, समूह चित्र प्रदर्शनी। अमृत दिन न्यूज यूट्यूब के दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि इस अद्भुत और मनमोहक मिथिला शैली बनी हुई कलाकृति में आप दर्शकों को क्या कहना चाह रही हैं, क्या संदेश देना चाह रही हैं? ये वैलेंटाइन जैसे कि अभी बना हुआ है, पहले के गोपी और राधा कृष्णा भी मनाया जाता था, जो कि अभी कितना है कि उस जगह पर बुराई नज़रिया से देखा जा रहा है, और अभी भी है कृष्णा और राधा जी का मिलन होता है, वही वैलेंटाइन होता भी है। और इसमें जो कि राधा कृष्णा झूला पर झूल रहे हैं, और यहाँ गोपी भी झूल रही है, मतलब झूला रहे हैं, और यहाँ झूम भी रही है, कितना गोपी लुक मतलब दे रहे हैं, और सब गाय और चिड़िया पक्षी जो भी है, चंद्रमा सब झूम रहे हैं, सभी खुशी से झूम रहे हैं। हाँ जी, बहुत ही अच्छा दृश्य है। और राधा कृष्ण में जो प्रेम था, बहुत ही अद्भुत प्रेम, अमर प्रेम। जी सर, जी सर, बहुत ही पवित्र प्रेम, पवित्र था। हाँ। जो कि अभी भी माना जाता है उस जगह पर, और अधिकतर भी ये भी चल रहा है, बड़े इसीलिए उसी राधा कृष्णा के थ्रू भी मनाया जा रहा है अभी भी, कितना लड़की है, और आज के दिन में भी मनाया जा रहा है वैलेंटाइन डे, जो कि एक रोज के मेरे हस्बैंड भी एक रोज दिए हैं गुलाब का फूल। जी हाँ, तो प्रेम करना कोई खराब अपराध नहीं है, अच्छी बात है प्रेम। जी सर, प्रेम होना चाहिए सभी में, पति पत्नी, माता पिता और बच्चों में भी, पेरेंट के साथ, अभिभावकों के लिए प्रेम होना चाहिए माता पिता के प्रति। जो कि अभी अच्छा भी लगा कि मेरे लिए हस्बैंड भी गए एक रोज तोड़ के लाए, फिर भी उनके लिए मोच आया होता, मगर फिर भी गए मेरे लिए लाया, खुशी मिला दिल में, अच्छा लगा। और आज के दिन भी कितना लड़की और एक लड़के फ्रेंड में रोज दिया जा रहा है, अभी भी मना रहा है, और कितना लोग का नज़र में थोड़ा खटकता भी है, अच्छा भी नहीं लगता सर। और यही चीज़ है मिथिला पेंटिंग का, और जो कि हम और भी चाहते थे करने के लिए, जो नहीं हो पाया। और यह भी जो आपकी कलाकृति है जिसमें राधा और कृष्ण झूला झूल रहे हैं, और गोपियां भी उन्हें झूला रही हैं, पशु पक्षी भी देखकर खुशी से झूम रहे हैं। जी सर, तो ये जो दृश्य है ये आज हमारे समाज में गायब हो रहा है, और इस दृश्य को देख करके एक हम लोग एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। जी सर, जो कि इसलिए तो हम निकालना चाह रहे हैं कि देखने के बाद ये आगे बढ़े। जी, जो कि जानकारी हो कि जब राधा कृष्ण कर सकते तो फिर और भी क्यों नहीं कर सके। सोच बोले ना सर। आपका शुभ नाम? साधना देवी। साधना देवी, साधना जी आप एक बताएं, प्रेम क्या है आजकल? देखिए, प्रेम के बिना आजकल कुछ नहीं है, मानिए तो एक बच्चा भी प्रेम करते एक दूसरे से, माँ से, पिता से, जो भी है दोस्त से, हर फैमिली में, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पौधा हो, गाय या चिड़िया हो, जो भी है सब, यहाँ के नाग नागिन भी प्रेम करते हैं, हर लोग भी है, पशु पक्षियों में भी प्रेम है बहुत, पशु उसके भी है, जो बच्चा के भी देखभाल में रखते हैं, अच्छे लगते हैं, जब वो भी कर सकते तो फिर हम लोग क्यों ना करें। माँ के बच्चों के प्रति प्रेम, माँ बच्चा पर जरूर है, माँ के जब तक बच्चा नहीं आएगा तो लगा रहता है ना कि हाँ मेरा बच्चा नहीं आया, क्या हुआ नहीं, अब भी तो चिंता लगा रहता है, प्रेम है ना ये, और प्रेम नहीं रहेगा तो फिर उसका मानता भी नहीं रहेगा, प्रेम ही तो है जो कि पूरा संसार बस रखा हुआ है, इसलिए यार कुछ नहीं। कभी कभी लगता है एक अभी फैमिली में नहीं है, मेरी सास नहीं है, ससुर भी नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, कभी ये प्रोग्राम करती हूँ तो लगता है कि हाँ अच्छा लगना चाहिए, जो कि नहीं रहता फिर अफसोस लगता है। और देख रहा हूँ मैं साधना जी की, समाज में जो है जो प्रेम होना चाहिए परिवार में या समाज में या राष्ट्र में, वो प्रेम घटता जा रहा है। जी, आजकल ऐसा भी तकलीफ भी बुझाता सर, जो कि प्रेम में धोखा भी हो गया है, धोखा भी हो गया है कि प्यार कर लिया है और धोखा देके चले जाते हैं, मर्डर भी हो रहा है, मर्डर भी हो रहा है, मर्डर भी होता है, इसे तो प्रेम नहीं करते, ये तो नहीं, ये तो प्रेम नहीं है, ये हो गया अपना चाहत हो गया थोड़ा देर के लिए, अपना मन हुआ मिटा लिए, एक होता है ना प्यासा रहता है ना, उस तरह से रहता है, जो कि अपना प्यास भुगता लिया और छोड़ दिया, मर्डर भी कर देते हैं कहीं भी, अधिकतर दिल्ली में भी हो रहा है, पटना में भी हो रहा है, सभी जगह दुनिया, हर जगह में सुन रहे हैं, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, हर जगह सुन रही है कहानी, जो कि इस तरह से नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब है कि चारित्रिक पतन हो गया है, एकदम हो गया, इंसानियत भी जो है वो घटता जा रहा है, लोगों में भाईचारा भी खत्म होती जा रही है, पहले ऐसा नहीं था, यही समाज है ना कि राधा कृष्ण
गोपियाँ, देवी देवता में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, इसकी हम लोग पूजा करते हैं, अब वही समाज में देखिए क्या हो गया है, खराब हो रहा है कि नहीं देखा जा रहा है ना उस जगह में। ये है कि मन ही नहीं रहा कि हाँ, जैसे कि गोपी में मिलन है, भाई भाई में मिलन, और आजकल क्या है, भाई भाई में मिलन नहीं है, भाई बहन में प्रेम प्रेम नहीं है, गलत नज़र से देखा जा रहा है, भाई बहन में भी या दोस्त में भी देखा जा रहा है। नहीं, उस जगह में करने से मर्डर भी हो जाता है, मार भी देता है, कहीं भी ले जाके कुछ भी कर देता है, दे रहा है, ये समाज में अच्छा नहीं लग रहा सर, यही हम बोलना चाहते हैं। इसे इसके इसके खिलाफ लोगों को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए इसका एकदम। ये जैसे ये सरकार से आदेश रहेगा, जैसे मोदी जी भी है, जो भी है कर सकते हैं, उसके सहयोग से हर जगह जो लड़कियां रात में निकलती आधी रात हो, उस जगह में गार्ड उठ के, मतलब हम लोग के लिए होना चाहिए अच्छा रखवाली, जो कि नहीं है। एक सबसे बड़ी बात है कि गार्ड वगैरह या पुलिस या कुछ, सबसे बड़ी बात हमारी मानसिकता जो है महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, बच्चों के प्रति, अगर हमारा वो पवित्र रहेगा कि वो हमारे भाई है, वो हमारी बहन है, तो ये जो हम लोग को ये जो है भय, कुछ होगा वो कुछ नहीं, कभी नहीं होगा। नहीं, 12 बजे 2 बजे रात में भी अगर जाएगी तो लोग बोले वो तो वो मेरी बहन है, गांव की बेटी है, गांव की इज्जत है, समाज की बेटी है, परिवार की इज्जत है, तो कोई भी बुरी नज़र से नहीं दिखेगा। नहीं, लेकिन वही भाव खत्म हो गया है, वही बात लाना चाह रहे हैं ना कि ये संसार में सब अपना भाई बहन समझ के चले, मगर नहीं होता हो रहा है, तो इस जगह पर क्या हम बोल सकते हैं सर, आप ही बताइए, आप है कि सपोर्ट करने से होगा, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा उसके जगह पर ना। विवाह भी होता है दहेज देकर भी, अब तो दहेज प्रथा बिहार में बंद ही है, बंद है, लेकिन फिर भी जो फिर है अंदर से लड़कियां जो है, लड़कियों को क्या कहता है, मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, बताइए ये क्या इंसानियत इसी को कहते हैं? नहीं सर, ये तो नहीं, इसे प्रेम भी तो नहीं कहेंगे, नहीं, लव लव मैरिज में भी क्या कहता है, दहेज लिया जाता है, लव मैरिज में दहेज दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसको क्या कहते हैं, लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, नहीं, इसे तो प्रेम नहीं कहेंगे, प्रेम तो एकदम बेकार हो गया, वो तो इसलिए कर जा रहा है ना कि उस जगह में दहेज भी ले लिया, लव मैरिज भी कर लिया, जो भी लिया उसका मार भी दिया जाता है, या कर देते कि अपने आप कर लिया, नहीं, वो होता है जेंट्स के ऊपर होता, लड़का प्यार कर लिया छोड़ दिया, वो नहीं हो लव मैरिज हुआ, जो लव मैरिज किनको कहते हैं, जो कि साथ दे, हाँ, मरते दम तक वो हुआ लव मैरिज, ऐसा नहीं कि आधा रास्ता पे छोड़ के भटका के छोड़ देने से वो नहीं हुआ। और साथ फिरे भी तो लेते कि 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, वो सब दिखावा है, हाँ, वो तो हम मानते दिखावा, इसलिए नौटंकी है समझिए, हाँ, सोचिए कि वो दिखावा ले रहा है, अभी क्या है शादी साल मनाया जाता है, मर नहीं, वो दिखावा हो गया, दिखावा इसलिए दिखा रहा है कि हाँ प्रेम करते, मगर प्रेम नहीं होता सर, मेन बात ये है, जब माँ पापा का सेवा करिए, फैमिली के देख के चलना चाहिए, वो अब प्रेम दिल से, आज हो गया शादी कर लिए, फैमिली के छोड़ दिए, माँ पापा को, वृद्ध को छोड़ दिए, हाँ, या घर से निकाल दिए, या निकाल दिए, वो भी तो है किसी के बेटा बेटी है, ये ध्यान देना चाहिए, मरने कल के वो भी होगी ना माँ बाप। एक चीज और, माता पिता हम लोगों को जो पाल पोस के इतना कष्ट, भूखे प्यासे रह करके पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, और उसको जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उसको एक क्या कहता है, जैसे जो गाय दूध नहीं देती उस तरह से उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ भी बहुत लोग क्या करते हैं कि उनसे संपत्ति लिखवा लेते हैं, जी सर ऐसा होता है, भूखे प्यासे रखा जाता है, तड़पा तड़पा के मारा जाता है, बताइए, खाना भी नहीं मिलता, नहीं मिलता है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो बेटा या बेटी ऐसा करते, क्या कभी वो खुशहाल रहेगा? कभी नहीं, कभी नहीं रहेगा, ये लोग नहीं जानता है, नहीं नहीं जानता है, नहीं, आज वो नहीं भोगेगा, नहीं तो उसका पोता परपोता या नाती नतनी जो फ्यूचर में, जो फ्यूचर जेनरेशन है उसको भोगना है, हाँ सर, वो तो लगा रहेगा, जैसे अगर आप माँ पापा का देखभाल कर रहे हैं शादी होने पर भी, तो आपका बच्चा भी उसी तरह से देख के ना करेगा, सीख भी रहा है ना, आज मान लेते आज हम सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे तो वो हमको भी नहीं करेगा, तो उसको भी नहीं करेगा, मैं तो ये हुआ ना, अगर आज हम सेवा कर रहे हैं सास ससुर के, तो वो बच्चा देखने के बाद वो भी सीखेगा ही ना, नहीं तो नहीं सीखेगा, गलत जैसा कहावत है ना सर, जैसा करना वैसा भरना, हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, हाँ वही समझिए, बस यही है और कुछ नहीं, मानिए तो बहुत कुछ है, नहीं मानिए तो कुछ भी नहीं है। एक चीज और, एक कहावत और है कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, हाँ 100% करेक्ट है ये, इसमें कोई ऐसी नहीं है, मिलावट कुछ नहीं, नहीं नहीं एकदम नहीं, सही बात, जैसा करनी हो सब भरनी होगी, भोगना है आज नहीं तो कर, ये 1000 वर्ष बाद भोगना है, कोई भी रहे, हाँ हाँ कोई भी होना है,
सा। आप किसी निडी को मदद कीजिए ना, आपको देखिए आपको भी भगवान ऑटोमेटिकली कोई ना कोई आके अनजान व्यक्ति मदद करेगा। ये तो सही बात बोले सर, ये तो होता है ना, एकदम होता है। और एक आज हमारे समाज में देखिए कैसा ये बच्चों को पता नहीं कैसा संस्कार ये वीडियोज वगैरह देख के आ गया है कि देखिए अगर कोचिंग करने के लिए लड़कियाँ जाती हैं, लड़कियाँ पढ़ाई मन लगाती हैं, लड़कियाँ लड़कों के साथ छेड़छाड़ नहीं करती, नहीं ना करती हैं नहीं, लेकिन लड़के जो हम देखता हूँ कोचिंग के पास लड़के जो आकर के लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं सड़कों पे, बेचारी विवश रहती है। और हम लोग भी जैसे पत्रकार हूँ मैं, जब मैं भी पत्रकार होने के बावजूद उसे क्या मदद करूँ, इतना ही ना कर सकता हूँ कि सीएम पीएम या और जो पुलिस ऑफिसर उसको मैं सूचित कर दूँ कि ये छेड़छाड़ हो रही है, यहाँ इस जगह पर हो रही है। और लेकिन मानसिकता देखिए समझ में नहीं है, लड़का थोड़ा भटक गया है, सब लड़के लोग दिशाहीन हो गए। हाँ, अधिकतर ये भी थोड़ा जो भी एज का जेंट्स भी उस तरह से भी कुछ कुछ होने लगा है। मतलब बच्चा के देखते हुए आजकल जेंट्स भी कुछ जेंट्स सही रहता है, कुछ बच्चा भी उस तरह से मतलब प्रभाव में हो गया है। दुनिया क्या सुधरेगा, लग रहा है ना दुनिया राक्षस तो हो गया जेंट्स का, नहीं हम लोग का सुधार। ऐसा भी लगता है कि लड़कियों और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए लगता है धरती पर जगह ही नहीं है क्या? नहीं, ये सही लग सोचते हैं ना कि आज मेरी भी बेटी है, आज हम घर भय लगता है ना, जैसे कॉलेज गई या कहीं भी गई लगता है कि अभी तक नहीं आई, कहाँ है, कहाँ ये गई है, नहीं गई, क्या हुआ नहीं हुआ, वो भी सोचना पड़ता है कि मेरी बेटी कहाँ गई है। पहले ऐसा नहीं था? नहीं, अभी तो पहले तो हम लोग फ्री थे, हम लोग भी थे बच्चे तो कुछ डर भय नहीं था। और अब के देख रहे हैं कि क्या है, कुछ लिख हुआ कुछ भी छिड़खानी होता है, छिड़खानी करता है, अब मान लेते हैं दुपट्टे मुँह में बांधा हुआ तो खींच लेता है, पीछे से पकड़ के मुँह दबा के लेके चल जाते हैं, बलात्कार करके मतलब कहाँ जहीं कहीं भी मार के फेंक देता है, उस तरह से किया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत ही गलत है, बहुत गलत ही है, आप सोचिए सर, एक तरह से अच्छा नहीं है, डर लगा हुआ रहता है बेटी के भेजने में कहीं भी। आपको भी भय रहता है, हम लोग को भी भय रहता है जी सर। और ये जो हमारे समाज में हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं ना, और वही रक्षाबंधन का भी कोई लगता है कि रक्षाबंधन का धागा भी लगता है कमजोर हो गया है ना, एकदम हो गया, वो तो लगता है ना शो के लिए है रक्षाबंधन, फैशन फैशन के लिए है ना। हाँ, वो दिखावा हो गया कि मेरा भाई है, मगर कल के वही भाई आपको वैल्यू नहीं देगा, प्रेम नहीं रहते हैं, ये है। और पर से सोचिए तो बहुत है, नहीं और क्या बोलूँ मैं। अगर रक्षाबंधन का धागा को अगर हम सच्चे रूप से अगर माने कि ये रक्षाबंधन हमारी वो बहन है, तो ये जो समाज में जो दुष्कर्म की जो सुनामी आई है नहीं होना, वो नहीं होगा। और देखिए अभी निर्भया फंड जो है उसमें करोड़ों रुपया भी जो है पड़ा हुआ है लड़कियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन रोज जो है खाने पीने लड़कियां जो है, लड़कियां जो दुष्कर्म की शिकार हो रही है, रो रही है, कोई मदद करने वाला नहीं, नहीं है, न्यायालय में न्याय नहीं है नहीं। और रही बात की जो पुलिस विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट, वो भी जो है वो तत्पर नहीं है मदद करने के लिए। जब सब चीज मतलब मर्डर हो गया, इज्जत लूटा जाता है, तब पहुंचता है, और वो भी लेट से नोट के लिए। हाँ हाँ, और सपोर्टर में आज पकड़ लिया है, कल के नोट मिला छोड़ दिया, कोई रिपोर्ट नहीं लिखाया, फायदा तो पुलिस के नहीं रहा। ये पुलिस भी जो भी है घुसखोर भी है, इसमें ध्यान जैसे लड़की लोग के एक होता है ना, आजकल पुलिस भी यही काम में रहता है अधिकतर, लड़की लोग के छिड़खानी में कितना देखते हैं चल रहे हैं, छिड़खानी वो भी करते हैं। एक घटना मैंने भी देखा था कुछ वर्ष पहले, छेड़छाड़ कर रहा था, हम लोग कुछ लोगों ने विरोध किया तब भागा वो। बात सही है जो भी है सर, तो पुलिस डिपार्टमेंट भी सुधार होनी चाहिए। यस सर, तभी बालिका अधिकार, महिला अधिकार की रक्षा होगी समाज में जी। और न्यायालय में भी होना चाहिए कि जो न्याय प्रक्रिया है वो शीघ्र होनी चाहिए, ये नहीं कि एकदम घोंघा की गति से धीरे 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 ना, वो तो एकदम धीरे चलते मेंढक के चाल होता है, नहीं घोंघा 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 घूमा गति से। अभी भी देखिए निर्भया कांड का जो है वो अपराधी जो है रेपिस्ट, उसको अभी भी सजा नहीं हुई, नहीं मिला, आजादी से घूम रहा फिर एक जो बच्चा था जुवेनाइल जो था वो अभी कहीं दूसरे जगह पर टेलर मास्टर बन के रूप वो काम कर रहा है, और वहाँ की दिल्ली सरकार जो है सीएम उनको क्या कहता है आर्थिक अनुदान देकर के उसको टेलरिंग का कोर्स शुरू कर दिया है, बताइए जरा। तो सबसे बड़ी बात है कि समाज में प्रेम क्या है इसका प्रचार होना चाहिए, सच्चा प्रेम, और लड़कियों को भी ऐसे ऐसे लड़कों से सावधान होना चाहिए जो कि उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसा के उन्हें उनका शिकार बनाते हैं, फिर मार भी डालते हैं जी सर। लड़कियों को भी सावधान रहना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि लड़कियाँ तो इस तरह से मुँह ढक के जाती हैं, इससे पता नहीं चलता है कि लड़की किसकी बहन है, किसकी
किसके परिवार के कुछ नहीं पता चलता है, इसलिए कितना नकाब इसलिए बांधती लड़की लोग जी, कि जैसे कि अब हम ही है बाहर लेंगे तो उससे क्या होगा, एक शकल के ऊपर पर भी अटैक करते हैं। हाँ, एसिड एसिड ना एसिड अटैक हाँ होता है हाँ। वो मतलब फेंक देते हैं, नहीं अगर आप रहिएगा उस तरह से तो गलत, नहीं आप उनके साथ में दीजिएगा तो वो ऐसे फेंकने के रहता, इसलिए मुँह झापे चलती एक और अपना बचाव के लिए हाँ कि मैं इधर से जा रही हूँ कोई हमको पहचाने नहीं, हाँ ये भी चीज़ सही है हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लड़कियाँ जिस तरह से ढक के जाती हैं उसमें अगर कोई बहन वाला उसको खींच के अपनी गाड़ी में बिठा लेगा तो कोई नहीं जानेगा किसकी बहन को ले गया है, किसकी बेटी को ले गया है, किस परिवार की है, किस जाति के, किस धर्म की, कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये जो माहौल बना, पहले क्या लड़कियाँ देखी थी या पटना में या किसी शहर में कि इस तरह से ढक के जाती थी? नहीं सर, मुस्लिम लोग कर हाँ, नियम था, वही लगता है माहौल हो गया है ना, हो गया हम लोग में हाँ। एसिड के डर है ना कि किसी की सरकारी बोले ना कि जैसे कि आप चल रहे हैं रास्ता में घींच के पकड़ लिया जाता है, इसलिए वो अपना बचाव के लिए नकाब बांधती है या कोई फोटो खींच लेगा हाँ, फोटो खींचवाने के बाद किसी की आंख नजर में चला रहेगा तो फिर किसी दिन और भी अटैक कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग करेगा हाँ। उसी के लेके जैसे आप फैमिली के साथ में जा रही पसंद आ गया तो वो है कि कल के वो छिड़कानी करेगा, इसलिए अपना बचाव के लिए नकाबपोश बनते हैं, बनना पड़ता है सर। साधना जी एक और बात ये संदेश जाना चाहिए कि जो माताएं हैं विशेष रूप से अपने बच्चों को ये संस्कार दे कि समाज में जो भाईचारा है उसको कायम रखे और लड़कियां और महिलाओं के प्रति आदर भाव श्रद्धा भाव रखे हाँ, सम्मानपूर्वक उसे देखे, सम्मानजनक हाँ, दृष्टि से देखे जी। ये हम अपने बेटे के भी बोलते हैं कि देखो जो भी लड़की चले अगर दिक्कत हो तो हेल्प कर दो हाँ, और किसी को छेड़छाड़ कर नहीं मत करना बेटा, ये भी बोलता है बेटी के भी कहती हूँ बेटा अपना सीधा जाओ आओ अच्छे से रहो, वो लड़का क्या करता है नहीं करता एक दूसरे को और तंग करता है कि दूसरे से हेल्प लिया करो हाँ, हाँ। अब तो समझो जहाँ अगर कुछ डिस्टर्ब करे तो बोलो भैया जी आप अच्छे से चलिए, इस तरह से मैं अपनी बेटी के बताती हूँ और बेटा के भी और कुछ नहीं। और एक और अच्छी बात है कि रिजर्व रहे, पढ़ने जाती कोचिंग पढ़ाई करो आ जाओ बस, ज़्यादा बातें नहीं, सहेली के घर भी नहीं जाना है, नहीं कोई फ्रेंड के पास नहीं जाना है, बस कोचिंग से घर आओ, नहीं तो लेट करोगी तो चिंता लगा रहेगा कहाँ हाँ, गई मेरी बेटी, ये भी रहता ना डर कि हाँ कब आएगी नहीं आएगी, वो टाइम से कोचिंग से आओ और जाना है फ्रेंड के साथ तो बोलो मम्मी चलिए साथ में हम लेके चलेंगे, बता के जाना है या बता के जाना है हाँ, ये भी कर सकती हो, यही बोल सकते अपना बच्चे के, मगर बच्चा लोग भी है कोई बच्चा नहीं मानती है और ये और एक चीज़ और बच्चों को जो है अच्छी पुस्तकें जैसे गीता प्रेस की पुस्तकें जो है चरित्र निर्माण की शिक्षा देती है, तो ये बच्चों को बचपन में ही आज बर्थडे या कोई भी हो आज गिफ्ट उन्हें देना चाहिए समाज में ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ, क्योंकि तो बच्चों में जो है पाठ पुस्तक में अच्छे इस तरह की चरित्र निर्माण की शिक्षा नहीं रहती है नहीं। तो अगर हम गीता प्रेस या पुस्तक महल की पुस्तकें अगर देते हैं आज गिफ्ट तो उनमें बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे तो समाज में भी अच्छा वातावरण बनेगा भी और अच्छे विचार आएंगे तो बच्चे अच्छे काम करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद।